सतगुरु के साजे निवास जी, प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये समर्पण की महत्ता पर विचार रखने जा रही है। सत्संगत जी कहते हैं, जिसने गुरु के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, उसका नाम इतिहास में युगों युगों से आ रहा है। कहते हैं कि जिन्होंने भी अपने आप को सतगुरु के आगे समर्पित किया और उनके आदेश उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढाला, कहते हैं कि आज भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। भगत प्रहलाद जी पूर्ण रूप से अपने सतगुरु के आगे समर्पित थे, जिसके कारण उनके मार्ग में जो भी कठिनाइयां आई, उन्होंने उन्हें हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। वे कभी भी विचलित नहीं हुए, न ही उन्होंने अपने पिता के खिलाफ कोई गलत काम करने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने अपने आप को, अपने पिता को भी प्रेम सम्मान व स्नेह ही दिया। ऐसा समर्पित भाव देखकर ही भगवान ने स्वयं कदम कदम पर भगत प्रहलाद की रक्षा की। भक्ति मार्ग में उनका जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इसी तरह मीराबाई ने भी राज अभिमान को छोड़कर संत रविदास जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना गुरु संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उनकी कृपा की मीराबाई पात्र बनी। नाम के रंग में इस तरह रंग गई कि यदि उन्हें जहर का प्याला भी पीना पड़ा तो उसको भी उसने बिना किसी शिकवे शिकायत के बेहिचक स्वीकार कर लिया। उसके मन में, मीराबाई के मन में कोई भी गुस्सा नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जो भगत अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वे किंतु परंतु को मिटा देते हैं। आ संगत जी, ऐसे ही भगत हनुमान जी की भी कहानी है कि किस तरह हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम जी के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया। कहते हैं, महायुद्ध समाप्त हो चुका था। संसार को त्रास देने वाला रावण अपने परिवार सहित नष्ट हो चुका था। चारों ओर शांति ही शांति हो गई थी। राम जी का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने सभी वानर और राक्षस मित्रों को सम्मान सहित विदा किया। अंगद को विदा करते समय भगवान राम रो पड़े थे। इन हनुमान जी को विदा करने की शक्ति तो भगवान श्री राम में नहीं थी। माता सीता भी हनुमान जी को अपना पुत्र मानती थी। हनुमान जी अयोध्या में ही रह गए। राम जी, भगवान राम जी दिन भर दरबार में शासन व्यवस्था में बिजी रहे। शाम के समय जब सभी कामों से फ्री हो गए तो गुरु और माताओं का हाल चाल पूछने के लिए उनके कक्ष में आए। हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे ही थे। भगवान राम जी के निजी कक्ष में उनके सारे अनुज अपनी अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। वनवास, युद्ध और फिर काफी सारी फॉर्मेलिटीज के बाद यह पहला अवसर था जब सारा पूरा परिवार अयोध्या में एक साथ उपस्थित था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, बल्कि अन्य वधुओं को एक बाहरी अर्थात हनुमान जी का वहां होना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। इसलिए वे ही अपनी भाभियों और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में ही, इशारे से ही हनुमान जी को कक्ष से बाहर जाने के लिए कह रहे थे। पर हैरानी की बात कि हनुमान जी जैसे ज्ञाता को भी यह मामूली से इशारे समझने में कठिनाई हो रही थी। वो इन इशारों को समझ ही नहीं पा रहे थे। उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भरकर बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को एकांत मिलना चाहिए। उन्होंने भगवान राम जी से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठ गए और भगवान राम जी और माता जानकी जी का चरण स्पर्श करके सभी
चले गए, परंतु हनुमान जी वहीं बैठे रहे। उन्हें वहीं पर बैठा देखकर शत्रुघ्न जी ने कहा कि आप जी भी आराम कर लीजिए। तो आगे से हनुमान जी कहने लगे कि नहीं, मैं तो यहीं पर भगवान राम जी के पास ही बैठूंगा। भगवान राम जी ने भी मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तुम भी आराम कर लो। हनुमान जी बोले, प्रभु आप सामने हैं, इससे अधिक विश्रामदायक भला कुछ हो सकता है? मैं तो आपको छोड़कर कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। शत्रुघ्न जी गुस्से में बोले, परंतु भैया को तो आराम की जरूरत है, इसलिए उन्हें एकांत चाहिए। हनुमान जी से कहने लगे, उन्हें एकांत चाहिए, आप जी आराम करने चले जाओ। हनुमान जी बोले, हाँ तो मैं कौन सा प्रभु के विश्राम में बाधा डालता हूँ? अगर भगवान राम जी ने विश्राम करना है तो कर लें, मैं उनके विश्राम में रुकावट नहीं डालने वाला हूँ, मैं तो यहीं पर ही बैठा हूँ। शत्रुघ्न बोले, आपने सुना नहीं, भैया को एकांत की जरूरत है। हनुमान जी बोले, पर माता सीता जी भी तो यही हैं, वे भी तो नहीं जा रहे हैं, फिर मुझे ही आप क्यों निकालना चाहते हैं? शत्रुघ्न ने कहा, भाभी को भैया के एकांत में भी साथ रहने का अधिकार है, क्या उनके माथे पर आपको सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा? हनुमान जी हैरान रह गए। प्रभु श्री राम जी से बोले, प्रभु क्या यह संदूर लगाने से किसी को आपके निकट रहने का अधिकार मिल जाता है? भगवान राम जी मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य, यह तो सनातन प्रथा है हनुमान। यह सुन हनुमान जी मायूस होते हुए उठे और भगवान राम जी और माता जानकी को प्रणाम करके बाहर चले गए। सुबह राजा राम का दरबार लगा था। साधारण कहते हैं कि फॉर्मेलिटीज काम हो रहे थे कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते दरबार में उपस्थित हुए। पता चला कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडारों को तोड़ तोड़ कर हनुमान जी शोर मचाते रहे थे। भगवान राम जी ने जब यह सुना और सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान जी को राजसभा में लाया जाए, राम आज्ञा का पालन करने सैनिक अभी निकले ही थे। भगवान राम जी की आज्ञा का पालन करने के लिए सैनिक अभी निकले ही थे कि केसरिया रंग में रंगे पुते हनुमान जी अपनी मस्त चाल में चलते हुए महासभा में उपस्थित हुए और उनका पूरा शरीर सिंदूर से भरा हुआ था। एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक सिर सिंदूर भूमि पर गिर जाता। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर हवा के साथ सिंदूर उड़ता रहता। भगवान राम जी के निकट आकर हनुमान जी ने प्रणाम किया। अभी तक कहते हैं कि जो सभा में लोग बैठे थे वो सभी ये दृश्य देखकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अपनी हंसी को रोकते हुए लक्ष्मण जी बोले, यह क्या किया कपि श्रेष्ठ, यह सिंदूर से स्नान क्यों कर लिया? क्या आपके यहाँ कोई वानरों की कोई प्रथा है, कोई रिवाज है? हनुमान जी खुशी से बोले, अरे नहीं भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है। मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु श्री राम जी के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है, तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगा ना, अब तो मैं आपके नजदीक ही रहूंगा। सारी सभा में बैठे हुए लोग हंस रहे थे और भरत जी हाथ जोड़े आंसू बहा रहे थे। यह देखकर शत्रुघ्न जी बोले, भैया सब हंस रहे हैं और आप रो रहे हैं, क्या हुआ है आपको? भरत जी स्वयं को संभालते हुए बोले, अनुज तुम देख नहीं रहे, वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, सारी संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों सभी निधियों का स्वामी कपि श्रेष्ठ अपना सारा गर्व सारा ज्ञान भूलकर कैसे राम भक्ति में लीन है? प्रभु राम की निकटता प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को भूल चुका है। ऐसी भक्ति का वरदान
कभी ब्रह्मा जी भी किसी को नहीं दे पाए। मुझ भरत को राम का अनुज मान भले कोई याद कर ले, पर इस भगत शिरोमणि हनुमान जी को संसार कभी भी भूल नहीं पाएगा। हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को बारंबार हमारा प्रणाम है। ऐसे समर्पित भगत शिरोमणि भगत हनुमान जी, जिनके कहते हैं कि इतने मंदिर बने हुए हैं, इतने भगवान राम जी के मंदिर भी नहीं हैं जितने भगत शिरोमणि हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं। ये है समर्पण की महत्ता। समर्पण का अर्थ है अपना सब कुछ त्याग कर देना, जिस तरह हनुमान जी ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया। किस तरह जरा सा सिंदूर माता जानकी के मांग में देखा और उन्हें पता चला कि भगवान जी इस बात से खुश होते हैं। उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने सारे ही शरीर पर सिंदूर लगा लिया कि मेरे प्रभु खुश हो जाएं और मुझे अपने पास रखें। ये है समर्पण भाव। इसी तरह हमारे मन में भी सतगुरु के प्रति समर्पण भाव हो कि सच्चे पातशाह कुछ भी हो जाए हमें अपने चरणों से दूर ना करना। हे मेरे मालिक दीन दयाल, हमें बख्शते रहना, हमारी भूलों को बख्शना, हमें अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी भक्ति से कभी भी दूर ना करना। कहते हैं कि यदि हम व्यापार करते हैं तो उसके लिए जो धन हमारे पास होता है उसे उसे कहते हैं कि उसी समय हम समर्पित करते हैं, जिसके फल स्वरूप हमें कुछ अच्छी प्राप्ति होती है। इसी तरह किसान के पास जो खाने का अनाज होता है उसमें से कुछ अनाज का त्याग करके किसान उसे खेतों में डालता है, जिसके फल स्वरूप उसे कई गुना अनाज मिलता है। यदि वह यह सोचे कि मैं अपने अनाज से अपना पेट भरूं, अपने बच्चों का पालन पोषण करूं, बीज डालने के बारे में सोचे ही नहीं, तो उसे फिर ऐसी प्राप्ति अनाज की हो ही नहीं सकती। सोना अपने आप को समर्पित करता है तो सुनार उसके सुंदर मनमोहक गहने बना देता है, जिससे उसकी कीमत में बढ़ोतरी होती है। किंतु इससे पहले जब सोने को कोई रूप नहीं दिया गया था तब उसे कोई देखने को भी तैयार नहीं होता था, लेकिन जब उसके गहने बना दिए गए, अंगूठी बनाई, हार बनाए, किस तरह कंगन बनाए, तो किस तरह उसको मनमोहक रूप दे दिया, तो उसकी कीमत बन गई। क्या इसी तरह कहते हैं रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर, जिसकी तरफ कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं होता, वह पत्थर जब किसी मूर्तिकार को समर्पित होता है तो वह एक सुंदर मूर्ति का रूप मूर्तिकार उसको दे देता है, जिसके फलस्वरूप वह पत्थर पूजा जाता है और उसे देखने पूजने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यदि वह पत्थर मूर्तिकार को समर्पित नहीं होता तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। मिट्टी को ही देखिए, लोगों के पांव तले रौंदी जाती है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि मिट्टी से सिर मुंह भर गया, किंतु वही मिट्टी जब कुम्हार को समर्पित होती है तो कुम्हार उससे सुंदर से सुंदर मूर्तियां बना देता है और इंसान के डेली रूटीन के यूज के डेली यूज की चीजें भी बना देता है। समर्पित होने के फलस्वरूप उस मिट्टी की कितनी कीमत बढ़ जाती है सभी जानते हैं। जिस मिट्टी से लोग नफरत करते थे किंतु अब कुम्हार को समर्पित वो मिट्टी हो गई है, तो वह मिट्टी कीमती हो गई है। ठीक इसी तरह अनपढ़ गंवार आदमी जब किसी विद्वान के आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है, तब उसकी छत्र छाया में रहकर वह भी ज्ञानवान हो जाता है। इससे पता चलता है कि समर्पित हुए बिना इंसान अपने जीवन को प्रफुल्लित कर ही नहीं सकता है। इंसान यदि कर्म ही ना करे और बड़े बड़े स्वप्नों में लीन रहे तो इन स्वप्नों से कुछ नहीं मिल सकता। जैसे अनाज बोरियों में पड़ा रहकर यदि सोचे कि मैं यहीं पर गुले गुलजार हो जाऊंगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस अनाज को मिट्टी के समक्ष समर्पित करना ही होगा। जो अनाज मिट्टी को समर्पित होता है वही अनाज फल फूल कर विशालता को प्राप्त करता है। इसी तरह इंसान जब अपने अहंकार की सीढ़ी से नीचे उतर कर सतगुरु के आगे समर्पित होता है और सतगुरु के आदेश उपदेश के अनुसार अपने आप को ढालता है, वही प्राणी
संसार में शोभा प्राप्त करता है। इस तरह के प्राणी का नाम ही जगत में रोशन होता है। जैसे सुंदर स्वादिष्ट पकवान यदि किसी प्राणी के सामने रखा हुआ हो और वह उसकी तारीफ ही करता चला जाए कि खाना बहुत अच्छा है, 5 स्टार होटल से आया हुआ है, सेहत के लिए बहुत लाभदायक है और अच्छे बावर्ची ने बनाया है आदि आदि, और उसे ग्रहण ही नहीं करे, उसे खाए ही नहीं, तो कहते हैं कि उसके स्वाद की अनुभूति उसे हो ही नहीं सकती और ना ही उसका पेट भर सकता है। इसके विपरीत उसकी तृष्णा बढ़ती ही चली जाएगी। इसी तरह ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने से या गुणों का वर्णन करने से जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जब तक कि ब्रह्म ज्ञान के गुणों को जीवन में धारण करके गुरु के आगे समर्पित होकर उनके दिए गए आदेशों के अनुसार अपने आप को इंसान उसी अनुसार अपने जीवन में उन कर्मों को नहीं ढालता, आदेशों को नहीं ढालता, तब तक उसके जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। तो इस तरह कहते हैं कि जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो अपने आप को सतगुरु के आगे मिटा देते हैं, कहते हैं कि वही सब कुछ पा जाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक आदर्श जीवन जीने की लोगों को प्रेरणा दे रहे थे। जो भी जिज्ञासु सतगुरु की शरण में आता है, उसे पहले प्रण में ही सुखी जीवन जीने का रास्ता सतगुरु बता देते हैं कि किस तरह सुखी जीवन का रहस्य है। बाबा जी का कहना था कि तन मन धन निरंकार की देन है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हम पहले प्रण पे अगर चलेंगे तभी हम अगले प्रणों पर चलेंगे। हमने इन 5 प्रणों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हमने इनको अपनाना है। इसे कहते हैं कि माता जी सतगुरु माता जी का कहना है कि तन मन धन निरंकार की देन है। इसे निरंकार को अर्पित करके भक्ति से जुड़ जाओ। यदि इसको अपना समझोगे तो दुखी होगे। अनासक्त भाव से दूर रहकर दुख ही दुख झेलना पड़ेगा। यदि निरंकार को समर्पित करने का संकल्प लेते हो तो आपके जीवन में श्रद्धा भक्ति और विवेक उदय होगा। ये दासी नहीं कह रहे, ये सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं। कहते हैं कि नाम के रंग में रंग जाओ। कहते हैं एक बार बाबा जी ने भी अपने विचारों में हमें समझाया कि विषय वासना से मुक्त रहकर केवल ईश्वर के प्रति विश्वास और नाम की खुशबू से ये जीवन सज जाएगा। कहने लगे, एक बार की बात है, कुछ बहनें एक जगह बैठी हुई थी। एक बहन ने पास वाली बहन से अपनी शाल देने को कहा, किंतु उसने शाल देने से इनकार कर दिया। तब उसने दूसरी बहन से उसकी शाल मांगी, तो दूसरी बहन ने बिना सोचे समझे अपनी शाल उसे समर्पित कर दी। उस बहन ने शाल तो ले ली, किंतु 1 महीने बाद जब वह शाल उस बहन को उसने वापस की तो उसमें बहुत सुंदर कढ़ाई की हुई थी, बेल बूटे कड़े हुए थे। कहने लगे कि वह शाल पहले से भी काफी कीमती बन गई थी, जिसे लेकर वह बहन बहुत खुश हो गई। इसी तरह सतगुरु भी तन मन धन अर्पित करने की बात कहते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते। जो लोग निसंकोच तन मन धन अर्पित कर देते हैं, सतगुरु ऐसे जीवन को संवार कर एक ऐसा भक्ति भरा जीवन तैयार कर देता है जो नाम के रंग में रंगा हुआ होता है। ऐसे सुंदर भक्ति भरे जीवन को देखकर सभी सम्मान करते हैं और ऐसा भगत पूर्ण रूप से सम्माननीय बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। किसी कवि ने भी कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कहते हैं कि जो दाना होता है जब ये मिट्टी में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है तो फिर तभी ये गुले गुलजार होता है। इसी तरह जो इंसान अपने आप को सतगुरु के चरणों में मिटा देता है, समर्पित कर देता है, जिस तरह राखे सच्चे पातशाह उसी तरह रहिए, तो ये सच्चा पातशाह उसको पूजनीय बना देता है, उसकी कीमत बना देता है। आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी हमें ये प्रेरणाएं दे रहे हैं, इन प्रेरणाओं को हम कर्म रूप में ढालकर अपना भी जीवन सजाएं और औरों को भी
कर्म रूप में दिखाकर हम ये प्रेरणा दें कि हम सुखी हुए हैं, आप जी भी स्तर पर आ जाओ और ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सतगुरु के कहे अनुसार अपना जीवन बना लो। जीवन की कीमत बोलों से नहीं कर्मों से ही बनेगी। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अमला नल होने के नबेड़े जात तेरी किसे पूछनी नहीं। सात संगत जी दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से इजाजत लेगी और दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, दासी उन गलतियों के लिए भी आप जी से क्षमा प्रार्थी और दासी को आशीर्वाद देना कि आगे जो भी आप जी के चरणों में विचार रखे जाएं उन्हें शुद्ध रूप से रख सके, ये आशीर्वाद दासी को देना। दासी सीखने की भावना से ही जुड़ती है और इसी तरह अंतिम श्वासों तक सीखती ही चली जाए। आज संगत जी सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाए कि सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। सास संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।